जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे टोटल गेमिंग यहाँ पर आई सपोज यहाँ पे रोटेट करते हुए दिखाई देने वाले हैं हमें यहाँ पे माफिया वाला डिलीट एंड पॉजी अच्छे यहाँ पे हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रोटेशन येट अगेन यहाँ पे वेहिकुलर रोटेशन होती हुई दिखाई दे रही है एंड येट अगेन वही सेम इक्वेशन में ये लोग भी हमें यहाँ पे एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें UNC दिखाई दे रही है राइट साइड पे, एरो दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड पे। बहुत ही बड़ी दिक्कत में फंस चुकी है यहाँ पर टोटल गेमिंग, दिक्कत वाली वो यहाँ पे सामने आ चुकी है। बट व्हीकल की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट पड़ने वाला था बट माफिया यहाँ पर हमें डाउन होते हुए दिखाई देंगे। वेरी बैड रोटेशन अगर हम यहाँ पे कहीं की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है बट अभी भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माफिया वाला जिंदा जरूर रहेंगे। आई सपोज यहाँ पे डिलीट का साथ उनको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी बट देयर इट इज माफ यहाँ पे बहुत ही अच्छे डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोटेशन में नहीं मार खानी थी यहाँ पर टोटल गेमिंग को। आई एम सारी टीम को यू नो दबा के ना निकल जाए सैंडविच के बीच में एंड उस सैंडविच को एंजॉय करके निकल जाए। बट डेफिनेटली अगर सैंडविच को एंजॉय करते हैं तो मज़ा तो आएगा ही उन्हें, उनके लिए अच्छा भी होगा। बट फिलहाल के लिए TG आई थिंक फाइनली इनको मोमेंट मिलेगा, जाएंगे एरो निंजा के ऊपर पुश करने के बाद माफिया वाला को यहाँ पर कर दिया गया है नॉन। TG डिलीट अकेले बचे हुए, उनको किल भी कंफर्म कर दिया है निंजा इस इन वन वी वन सिचुएशन डिलीट किया गया। इस पहले चिकन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है? निंजा को यहाँ पर काफी ज्यादा भी कर दिया गया, एक न्यू वॉल डालेंगे अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। क्या वो HP अपना रिगेन कर पाएंगे इससे पहले कि पुश यहाँ पर डिलीट किया? डिलीट से पुश हो चुका है, एरो रॉक्स हो गया, एलिमिनेशन डिलीट के लिए क्लच होने वाले।